Bismillahirrahmanirrahim. Rahim, Assalamu Alaikum. Welcome to my YouTube channel Education Hub Online with Itra Rasool Today I will discuss about the poem which is written by Emily Dickinson. Hope is the thing with feeders. Resource person, Itra Rasool So without wasting our time, let's proceed. Today we have the table of content in which we will discuss the poem, the summary of this poem, the setting of this poem, themes and literary devices which are used in this poem. पहले हम इसको लाइन बाय लाइन देखते हैं कि इसमें लिखा क्या गया है होप इज़ द थिंग विद फीडर्स उम्मीद जो है एक चीज़ है ऐसी जिसके पंख हैं दैट परचिस इन सोल जो कि रूह के अंदर रहती है एंड सिंग्स द ट्यून विदाउट द वर्ड्स और गाने गुनगुनाती है लफ्जों के बगैर एंड नवर स्टॉप्स एट ऑल और कभी भी नहीं रुकती एंड स्वीटेस्ट इन द गेल इज़ हर्ड और इसकी मेलोडियस वॉइस हमें तब सुनाई देती है जब एक एक तूफ़ान भी आ रहा है ना हमें तभी इसकी मेलोडियस जो वॉइस है वो सुनाई दे रही है एंड सॉ मस्ट बी द स्टाम कि तूफ़ान की शिद्दत होनी चाहिए दैट कुड ए द लिटल बर्ड हो सकता है तब ये छोटे परिंदे को खामोश करवा सके छोटा परिंदा यहाँ पे मुराद है हॉप क्योंकि हो सकता है जो अगर शिद्दत से कोई तूफ़ान आए तो हो सकता है कि उम्मीद डूट जाए दैट केट्स मैनी वाम जो कि उम्मीद कुछ लोगों के मतलब इतने ज़्यादा लोगों के दिलों को वो पुरसकून करके रखती है तो हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा तूफ़ान शिद्दत के साथ आए ज़िंदगी में तो हो सकता है कि उम्मीद भी टूट जाए पोएटस्ट कहती है आई हैव हेड इट इन दैन कि मैंने इसको अच्छे लम्हों में भी सुनाए एंड ऑन द स्ट्रेंजस्ट सी और अनजान सिचुएशंस में भी मैंने इसको देखा है यही यहाँ पर हम देखेंगे किस तरह से उन्होंने दोनों चीज़ों को अमेल्गामेट किया है यूनाइट किया है अच्छाई को भी ज़िंदगी की और बुराई को भी कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि जिसकी लाइफ में कभी अप्स ना आए हों तो कभी डाउनस ना आए हों हर बंदा लाइफ में इन सिचुएशंस को ज़रूर एक्सपीरियंस करता है गेट ना एवर इन एक्सट्रीमिटी हालाँकि ज़िंदगी में जो स्ट्रगल्स हैं ना जो प्रॉब्लम्स हैं वो शिदत इख्तियार कर लेती हैं इट एस्ट अक्रम ऑफ मी तब भी होप ने मुझसे कुछ नहीं मांगा उल्टा मुझे सपोर्ट किया अब हम पोइम के बारे में डिटेल से बात करेंगे होप इज़ द थिंग विद फीदर्स एक पोइटिक कम्पोजिशन है जो कि अमेरिकन पोइट एमिली डिकम्सन ने लिखा था और इसको 1861 में पब्लिश करवाया इनकी डेथ के बाद जो ये कलेक्शन है इनकी सिस्टर ने इसको दोबारा से पब्लिश करवाया और इसका जो वर्जन है कलेक्शन ऑफ पोइम्स में 1891 में पब्लिश किया गया अब जो इस पोइम का जनरल आइडिया है हम उसको देखेंगे कि किस तरह से इस पोइम का जो जनरल आइडिया है वो क्या है होप पे है जो कि नेचर के साथ जुड़ा हुआ है कि किस तरह से ये बुरे और अच्छे लम्हों में हमारे साथ रहता है इट इज़ अ सिम्बलाइज एज बर्ड अ फ्री स्परिटेड लिविंग बींग एक आज़ाद परिंदे के तौर पे यहाँ पे उसको सिंबलाइज किया गया है जिसके पंख हैं जो बुलंदियों में उड़ता है और अपने पंखों की मदद से ही अपने मुश्किल लम्हात में अपनी मदद खुद करता है अपेरेंटली बज़ाहिर तो जो ये पोएम है ना वो चार लाइनों के एक स्टेंजा पर मुशतम है यानी कि तीन स्टेंजाज हैं और तीनों के अंदर चार चार हमें लाइनस देखने को मिलती हैं जो कि इसको एक सिंपल लुक देता है लेकिन जो इसके अंदर उन्होंने टेक्निक्स और जो लग्जिकॉन यूज़ किए हैं वो एक डीपर मीनिंग क्रिएट करती है अब कहा जाता है इसमें कि जो लेरिकल बैल्ड स्टाइल है पोइम का वो कैसा होता है एक ऐसी पोइम जिसको अपने ट्रेडिशनल स्टाइल में रहते हुए लिखा जाए किस आ, किस चीज़ के लिए प्रोजेक्शन ऑफ इमोशंस अपनी इमोशन की वजाहत के लिए तो वो लिरिकल बैलेड ही उसी के स्टाइल में आ, लिखी जाती है ठीक है ये लिरिकल बैलेट के बारे में बताया है कि वो किस टाइप की पोईम होती है अब जो ओपनिंग लाइंस हैं इस पोईम की हमने ऊपर पहले रीड की पोइम तो देखा हो इज विधर्स हमने पढ़ा कि जो उम्मीद है वो एक ऐसी चीज है जिसके पंख हैं डैट परचेज इन दो जो हमारी रुख के अंदर रहती है यहाँ पे जो सेकंड लाइन लाइन है ना उसमें पोइम क्या डिस्क्राइब कर रही है कि जो होप है वो हमारे अंदर रहती है हर इंडिविजुअल के अंदर रहती है और जिसका फंडामेंटल कंसेप्ट है पोइम का वो यही है कि होप जो है ना उम्मीद जो है वो हमारे अंदर भी रहती है और हमारे बाहर भी रहती है इसका जो कंसर्न है वो इसी चीज़ से कि इसको पहचाना जाए होप जो है एक पावरफुल एस्पेक्ट है जिंदगी का एक ऐसा इक्विपमेंट है औजार है जिसके थ्रू जो हमारी स्पिरिट है वो सांस लेती है मेटाफोरिकली होप को सिंबलाइज किया गया है बर्ड के साथ जो बाइबल में बर्ड को लिया गया है वो डब है फक्ता है जिसको पीस के साथ होप के साथ सिंबलाइज किया जाता है एक परिंदे की तरह ना बर्ड के पास सॉरी एक परिंदे की तरह होप के पास भी ताकत है इस चीज़ की कि वो इंसान को आदमी को मुश्किल हाथ से निकाल के अच्छे लम्हे की तरफ ले जाए ज़िंदगी में अच्छा बुरा लम्हा तो इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा ही है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो उम्मीद ही छोड़ दे, उम्मीद पर बहुत ज़्यादा यकीन रखना चाहिए अब उन्होंने एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ मेटाफ और यूज़ किया जब उन्होंने इस बारे में तस्लीम किया कि जो उम्मीद है ना वो मुश्किल वक्त में गुनगुनाती रहती है इसका जो सिब्लिमिनल मीनिंग है सिंगिंग का वो ये है कि होप जो है वो एक एब्रैक्ट आइडिया है जो कि बांधती नहीं है एक पर्सन को किसी चीज़ पर और क्या करती है कि वो हर मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ी रहती है उसको उसको आजादाना महसूस करवाती है उसके पास सेंसेशन है पॉजिटिविटी की एक बर्ड है जो कि होप है वो पॉजिटिविटी के साथ आसमान की बुलंदियों को छूता है उसी पॉजिटिविटी के साथ वो हमारे अंदर घर किए हुए है मजीद इसमें जो मेटाफर गेल यूज़ किया गया है उस कैपिटल जी जो कि इस चीज़ की अक्सी करता है कि अगर तूफ़ान शिद्दत से आता है क्योंकि लाइफ की जो नेचर है वो तो टेम्पेस्टियस है तो वो एक इंसान की ज़िंदगी को हिला के रख देता है लेकिन इस वक्त में भी जो बर्ड होप है वो साथ नहीं छोड़ता वो गुनगुनाना नहीं छोड़ता एमली डिकेंसन ने इस पोएम की जो एंडिंग की है पॉजिटिव एक नोट को देते हुए उन्होंने कहा कि ज़िंदगी के इर्द गिर्द जो है ना होप घूमती रहती है हमें बस इसको ढूंढना है इस नज़रिए को जाँचना है इट इज़ ऑलवेज देयर फॉर एग्जिस्टेंस वो हमारी मदद के लिए हर वक्त हमारे इर्द गिर्द करने के लिए बुरे टाइम से निकालने के लिए लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि हमसे बदले में कुछ नहीं मांगती अगर हम इसको एनालिटिकली देखें तो इसमें एक्सटेंडेड मेटाफर्स की फॉर्म मिलती है होप को जैसे कि बर्ड के तौर पे लिया गया और उसको सिग्निफाई किया गया इसके फीडर्स और विंग्स के साथ स्टोम और गेल को एज अ हार्डशिप ऑफ लाइफ दिखाया गया सी को सिम्बलाइज किया लाइफ के साथ इसके डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि अच्छाई और बुराई को आपस में जोड़ते हैं लिंग्विस्टिकली जो ये पॉइम है इसमें क्लियर और लूसिड लैंग्वेज और एक्सप्रेशन को यूज़ किया गया है जो कि नरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू को पहली नज़र में ही समझ आ, समझा देते हैं एक इमेज क्रिएट कर देते हैं माइंड में इसमें पंचुएशन जो कॉमर्स वगैरह का इम्पेक्ट है वो भी बहुत खूबसूरत है जो कि इस पर एक खूबसूरत असर मरतब कर इस पोइम पर एडिशनली डिकसन ने क्या किया इसने इमेजरी को ड्रा किया नेचर से जैसे कि रोमांटिक पॉइंट बात करते थे और ये एक ट्रेसेंडलिस्ट अप्रोच को भी इन्होंने फॉलो किया जिसने हाईलाइट किया Dickinson के चाइल्ड हुड इंस्प्रेशन को इसके अंदर जो थीम है वो यही है कि किस तरह से ज़िंदगी को और उम्मीद को उन्होंने अलस्ट्रेट uh, किया है उसकी उसकी इमेज हमें पेश की है होप के पास एक ऐसी टेंडेंसी है जिसकी वजह से लोग उसको अट्रैक्ट करते हैं उसकी तरफ भागते हैं यहाँ पे शायरा ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर फोकस किया है कि पढ़ने वाले इस आइडियालॉजी तक पहुँचे क्योंकि जो होप है ना वो एक बर्ड की तरह बाउंडलेस क्रिएशन है लेकिन इसका जो पर्पस है वो लोगों को सर्व करना है लोगों को कंफर्ट जोन देना है नेचर का यहाँ पे जो इम्पेक्ट है वो पॉजिटिव टूल की तरह है लिटरेचर पे अब इसको नेचर के साथ रिलेट करने का मकसद क्या आता है कि लोगों को ये चीज़ बताई जाए कि उम्मीद जो है ना उम्मीद पर दुनिया कायम है अब यहाँ पे शॉर्ट पोएम लिखी है कि ये जो पोएम है होप के बारे में बात करती है सॉरी समरी शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे मैंने आ, लिख दी हुई है आप लोग इसको पॉज करके खुद भी रीड कर लीजिएगा मैं इसको एक बार पढ़ भी देती हूँ द पॉय सेज दैट होप लीज इन साइड और हार्स एंड नवर गोज अवे अब इन सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है ये तो आप लोग इसको ईजिली गेट कर सकते हैं कि पूरी पोइम किस चीज़ के बारे में है किस तरह से उन्होंने एक परिंदे को होप जो परिंदे को सिंबलाइज किया है होप के साथ और कैसे उन्होंने इसके अंदर एक्सप्लेन किया है कि अच्छे बुरे हालात में हर तरह से उम्मीद का दामन ना छोड़े उम्मीद हमेशा आपके साथ है अब बुरी सिचुएशन में भी अच्छी सिचुएशन में भी लेकिन ये उम्मीद जो है ना वो आपसे वापसी में कुछ मांगती नहीं है हालांकि एक छोटा सा परिंदा है जो सबके दिलों को सहला के रखता है और मांगता भी कुछ नहीं है इसको कुछ भी नहीं चाहिए हमसे लेकिन क्या चाहिए कि हम पुसकून रहें अब कंपेयर किया गया यहाँ पे होप को बर्ड के साथ होप को ये बताया कि ये हमारे अंदर रहती है कहीं पे भी नहीं जाती एक परिंदे की तरह खूबसूरत गाना गुनगुनाती है ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करती है जो नहीं कर पाते होप जो है हमेशा से हमारे साथ है हमेशा से मुश्किल वक्तों में हमें मुश्किल वक्त से सीट के दूसरे वक्त तक ले जाती है टफ टाइम में होप इस तरह से चमकती है जैसे कोई जगमगाती चीज़ होती है जिस तरह से एक परिंदा जो है बहुत सख्त तूफान में जैसे वो आ, उसकी जो आवाज़ में एक खूबसूरत सा नॉइस क्रिएट करती है ना मेलोडियस नॉइस ही होता है वो तो उसमें जैसे हमें बर्ड सर्व कर रहे होते हैं ना इसी तरह से होप भी हमारे टफ टाइम में सर्व करती है पोइट्रिक्स ने यहाँ पर इस चीज़ को तस्लीम किया है ज़िंदगी सम टाइम बहुत ज़्यादा हार्श हो जाती है लेकिन ये है कि कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है कि उम्मीद भी जो है ना टूट जाती है तो कोशिश ये करनी है कि उम्मीद को नहीं टूटने देना हालांकि साइज तो परिंदे का बड़ा छोटा है लेकिन वो काम बहुत बड़ा कर रहे उम्मीद का काम बहुत बड़ा है कि वो क्या कर रहे हैं इंसानों के दिलों को सहला रहा है मतलब उनकी दिल जो ही कर रहा है उनको ताकत दे रहा है कि तुम लोगों ने घिरना नहीं है मजबूती के साथ खड़े रहना है मतलब अभी कोई हमारी चीज़ खो जाती है तो हम कितना ज़्यादा टूट जाते हैं लाइक किसी प्यारे की डेथ हो जाए हमारा हमारी क्या सिचुएशन होती है एमएलडी एल डिकेंसर की लाइफ में भी उसने अपने बहुत से प्यारों को खोया था तो हम कह सकते हैं कि उनकी राइटिंग आज हम लोगों के लिए क्यों मैटर कर रही है क्योंकि उन्होंने बहुत ही दिल से लिखा हुआ है अगर हम इसको डीपली कंसर्न करें अपने आप के साथ जोड़े अपना ओपिनियन इस पर लिखे ना तो हमारे अल्फाज ख़त्म नहीं होंगे पोट ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया कि ज़िंदगी की सख्ती में तन्हाइयों में भी हमेशा से वो हमारे साथ रही हालांकि बुरी सी बुरी सिचुएशन में भी साथ देने के बावजूद भी इसने हमसे कुछ नहीं मांगा और हमेशा हमारे साथ रही हमेशा हमें कंफर्ट जोन दिया उम्मीद ने कंफर्ट जोन दिया अब हम सेटिंग की बात करें तो इस पोएम की कोई फिज़िकल प्लेस तो है नहीं लेकिन ये सेटिंग इसकी कहाँ पर आ रही है ह्यूमन सोल में और हार्ट में ठीक है कोई पर्टिकुलर लोकेशन तो डिस्क्राइब नहीं करती लेकिन ये ज़िंदगी की उक्सी करती है ज़िंदगी की एक इमेज क्रिएट करती है जिसमें होप का एक बहुत बड़ा किरदार है जो कि हमारे अंदर भी रहती है हमारे बाहर भी रहती है वही हमें एक कम्फर्ट जोन भी देती है हमें अच्छा महसूस भी करवाती है बुरे लम्हा से लेके कर भी आती है और हमें यह भी सजेस्ट करती है कि होप जो है ना वो इंटरनल है इमोशनल लैंडस्केप है जो कि हर इंसान के अंदर एग्जस्ट करती है ना कि ऐसी चीज़ जो एक्सटर्नल हो या किसी जगह पे पाई जाए वो फिर हार्ड टू अचीव हो जाता है थैंक गॉड कि होप जो है वो हार्ड टू अचीव नहीं है हर बंदा अपने आप को खुद से ला सकता है पॉजिटिव सोच के और तो जो जितना भी हो सके ना पॉजिटिव सोचें अगर कोई चीज़ आपके हाथ से छुट गई चली गई कोई अपॉर्चुनिटी थी जो आप लोग उसको ले नहीं सके मजबूती से पकड़ नहीं सके तो उस पर रोने की बजाय ना अपनी कमियों पर वर्क करें थीम हमने पहले भी देखा कि वो किस तरह से ज़िंदगी में उम्मीद की कितनी अहमियत है एक ऐसी पावर है ये कि अगर आप अंधेरे में बैठे हुए हो ना तो छोटे से सुराग से आपको रोशनी दिख रही है आप उस उम्मीद पे कि आप इसको बड़ा कर लेंगे आप इसको खोल सकते हैं आप उसको खोलने की जो है ना कोशिश करेंगे तो वो जो उम्मीद है वो खूबसूरत है आप जिस तनाई के आलम में अपने आप को फंस मतलब फंसा के रहे, रख रख रही है फंस गए हैं बहुत ज़्यादा निकल नहीं पा रहे तो जब आपके माइंड में कोई बंदा होप डालता है कि नई गॉड विल हीयर टू सर्व यू अल्लाह है आपकी हेल्प करेगा तो आप कहते हो हाँ यार अल्लाह है ना अगर हमारे साथ ऐसा हुआ है तो कितनों के साथ होता होगा लेकिन ये होब कि अल्लाह है इंसाफ वो करेगा तो हम दोबारा से अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं इस पोइम को अगर हम अपनी निजी ज़िंदगी के साथ रिलेट करें मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ना समझ आए चलिए जी वीडियो को एंड किया जाता है तो लिटरेरी डिवाइसेस जिसमें इन्होंने जो यूज़ किया है वो है मेटाफर पर्सोनिफिकेशन सिम्बलिज़म इमेजरी यूज़ की है इन्होंने पैराडॉक्स को यूज़ किया है आयरनी यूज़ की है हैक्सटापोजिशन है रिपीटेशन है एलिट्रेशन है आप इसको पॉज करके खुद पढ़िएगा इन शाला आपको समझ आ जाएगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टेट यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए अला हाफिज़